रिकॉर्डिंग लगा दो इसमें। हाँ, तो फर्स्ट फॉर्म क्या था उसमें, कंडेंस फॉर्म, सेकंड वन कंप्लीट स्ट्रक्चरल और एक्सटेंडेड फॉर्म, एंड थर्ड वन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म था, बाउंड लाइन फॉर्म। और तीनों को हम लोगों ने डिटेल से देख रखा है कि तीनों फॉर्म होता है क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, कुछ दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी सब लोग बताओ इसमें। अभी मैं अगर अभी कुछ लिख रहा हूँ तो अभी ठीक है, अभी मैं कुछ लिख ही नहीं रहा था सर, अब तो क्लियरली जो भी आ रहा है तो दिखेगा वहां पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कहीं भी कुछ दिक्कत हो, वॉइस ब्रेक का प्रॉब्लम हो या स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो प्रॉपर तुरंत बताना है। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो चैप्टर का नेम है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, उस चैप्टर पे आते हैं, उस टॉपिक पे आते हैं, बट जो बेसिक 3-4 लेक्चर लगेगा कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसमें किस टाइप का बॉन्डिंग होगा वो देखना है आते हैं। चलो तो मैं तुम लोगों से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि तुम लोग 9-10 में पढ़े हो गए बॉन्डिंग, दैट मीन्स कितने टाइप के बॉन्ड पढ़ रखे हो अभी तक, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन सही है। इसमें एक बॉन्ड पढ़े हो, कुछ लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी रहता है इसमें, बट उतना हम लोगों को बॉन्डिंग का अलग चैप्टर रहेगा। मेटालिक बॉन्ड भी है, बहुत तरह के बॉन्डिंग होते हैं, बट यहाँ पे जो हम लोगों को सिर्फ फोकस करना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कौन किस टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यहाँ बस एक पॉइंट नोट करना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है वहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको डिफाइन कर सकते हो एनीवन, कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड क्रिएटेड विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही, बिल्कुल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें एक वर्ड मैं और ऐड कर देता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय, प्रॉपर डेफिनेशन लिख लोगे इसका, कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। वही पॉइंट है इसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या एक वर्ड यहाँ पे एड करना था म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है इसमें, एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी बॉन्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक एटम अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा आइटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उसी को क्या बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए अलग चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग नाम करके एक अलग से, उसमें आएगा डिटेल में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी शेयरिंग ही होता है, बट वो वन साइडेड शेयरिंग होता है। इसमें यहाँ पे बस एक वर्ड एड करना था, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। अब यहाँ पे देखना है कि जो दो कोवेलेंट बॉन्ड जो आ रहा है म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है, इस पे आते हैं हम एग्जांपल उसका करते हैं। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो दो टाइप का होता है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसको दो कैटेगराइज, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड,
एब्रिविएशन को क्या बोलना है, सिग्मा, लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा जो बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड में वो क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो क्या रीड करना है, पाई बॉन्ड, पी आई पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड क्या होता है हम समझते हैं अभी इसको। यहाँ पे देखो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटी बॉन्ड ही बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो जितने भी टाइप के बॉन्ड हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटी बॉन्ड, मेटालिक बॉन्डिंग, जितना भी टाइप का बॉन्ड हो उसके लिए एक अलग चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे हम सिर्फ देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसमें क्या बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो दो टाइप का, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सबसे बेसिक एग्जांपल CH4। इस कंपाउंड का नेम क्या है सबको पता होना चाहिए, CH4 का मीथेन। मीथेन, CH4 का नेम क्या है, मीथेन। बाकी नेमिंग ही तो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ये क्या है CH4 मीथेन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कुछ याद हो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? सिक्स। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग पढ़े हो गए, इस टाइप का तो पढ़े हो गए, टू एंड फोर। ना तो सब लोग को पढ़े आइडिया है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4। कुछ लोग इस पैटर्न पे भी पढ़े हो गए, 1H2, 2H2, 2P2, एनीवन इस पैटर्न पे इसका कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का, तो ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े यहाँ पे अभी जरूरत नहीं होगा इसका, यहाँ पे ये तुम्हें क्लास में कराया जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में फिजिकल का पार्ट है, ये पार्ट हो गया तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री में क्या? मतलब चैट बॉक्स में भी बता सकते हो इसमें सिंपली यस या नो। ये जो 1H2, 2H2, 2P2 है तुम्हारा, इस पैटर्न पे अगर नहीं पढ़े तो फिर आगे बताया जाएगा। यहाँ पे देखना है, कुछ लोग बता भी रहे हो चैट बॉक्स में, अभी नहीं पढ़े ठीक है, उसकी जरूरत नहीं। ये तो फॉर्मेट में सबको पता है कि 2, 4। ये जो 2 जो आता है इसमें ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो 4 आता है ये सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे जो एक वर्ड जो आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बस इसको साइड में लिख सकते हो, वहां पे स्पेस है वहां पर भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बस इसको लिख के रख लोगे। यहाँ पे जो सेकंड जो पढ़े हो गए तुम लोग, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये फर्स्ट ऑर्बिट में, ये सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे दैट मीन जो कार्बन होगा जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता है। तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना रहेगा, 4, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, जिसको तुम लोग डॉट से दिखा, डॉट का मीनिंग यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन है। डॉट का मीनिंग क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन के पास नंबर, हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के पास। आपको हाइड्रोजन एटम है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें, 0। ये तो क्लास में कराया गया होगा, पढ़े हो गए तो 10th में भी। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और जब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दो हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहाँ पे। हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, हर एक हाइड्रोजन एटम के पास। अब इसमें होता क्या, यहाँ पे है ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के ये क्या बना लेगा यहाँ पे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। जब यही एक एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है
इसी से क्या बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। एक ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो सी एच फोर में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, फोर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे है। अब एक पॉइंट ये आता है कि सर इसमें जो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आ रहा था, तो यहाँ पे देखना है कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ही है। एक बॉन्ड यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे आ रहा है, किसी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, वो बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। एक पॉइंट याद रखना है। हमको क्या बोलता हूँ इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट है, क्या बोलते हैं सिग्मा, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। तो जिस भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एक ही लाइन आ रहा है वहां पे, तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो सी एच फोर में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। तो सी एच फोर मिथेन में टोटल सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, 4, 1, 2, 3, 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड। इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे जब किसी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दैट मींस सिग्मा बॉन्ड। तो CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। यहाँ तक नोट डाउन कर लो तुम लोग, इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे। बाकी ये चीजें पता है कि इसका कंफ्यूजन क्या होता है, 2, 4। और जो यही जो 4 इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, यही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग। ये याद हमेशा याद रखना है कि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4, दैट मींस कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। 4 से ज्यादा कार्बन कभी भी बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाएगा। सर सिक्स बॉन्ड कैसे आ रहा है? हाँ बताओ इसमें क्या कुछ रुपये से रिपीट करो। सर अपने सिक्स बॉन्ड क्यों लिखा है? सिक्स बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। मैंने लिखा क्या ब्रैकेट में यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड का दो टाइप है, ये इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सिग्मा। ये सिग्मा का रिप्रेजेंटेशन होता है और ये पाई बॉन्ड। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये सिक्स बॉन्ड नहीं है, ये इस सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ये 46 नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइफन के साथ लिखा गया, दैट मींस ये 4 सिग्मा बॉन्ड, या ब्रैकेट में लिख सकते हो, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ये 6 नहीं है, वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्लियर कर दिया था कि ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो 4 सिंगल लाइन आ रहा है इसमें, 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड। कर लिया, यहां तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्या लिखा है? ये कॉन्फ़िगरेशन जो है कि तुम अभी 2-4 के फॉर्मेट में पढ़े हो गए, यहाँ पे तुम्हें एक इस फॉर्मेट में ही पढ़ाया जाएगा। ये भी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे जो 10th लेवल में तुम पढ़े हो वो 2-4, इसी चीजों को यहाँ पे डिटेल में और भी कराया जाएगा तुम्हें एटोमिक स्ट्रक्चर में। चैप्टर का नाम है एटोमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें जब ये दो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर में, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में 2 और 2, तो इसी का ये भी कॉन्फ़िगरेशन है, बट ये आगे पढ़ाया जाएगा तुम्हें। हम बताओ इसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो आगे का पार्ट है, मुझे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है तो क्या होता है वहां पे, HO H2O2, ये O और H। यहाँ पे भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है,
ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड। तो अलग पार्ट है हम लोग। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मीन्स कार्बन का केमिस्ट्री। तो कार्बन से रिलेटेड जो भी बॉन्डिंग हो उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी एटम की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। और कोई भी कंपाउंड हो उसको बोला जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसका कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड? तो अगर उस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है दैट मीन्स वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। मेनली अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बाकी जितना भी मॉलिक्यूल होगा हर एक चैप्टर में अलग अलग आएगा, बट यहाँ पे मेनली हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, और कुछ और एटम नाइट्रोजन ऑप्शन भी रहेगा यहाँ पे, बट कार्बन तो कंपल्सरी है। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सब लोग? यस सर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें C2H6, इसका नेम क्या होता है, इथेन। इसके स्ट्रक्चर की बात करूं मैं यहाँ पे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दो कार्बन यहाँ पे आ रहा है, तो C सिंगल बॉन्ड C H H। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, अब इसको समझना था यहाँ पे, यहाँ पे जो C2H6 आ रहा है, टू कार्बन एंड सिक्स हाइड्रोजन, तो एक कार्बन के पास इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसमें, फोर, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, दैट मीन्स एक कार्बन मैक्सिमम फोर बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ भी अगर इस कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये जो चार फोर सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये हाइड्रोजन का एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पा रहा है यहाँ पे। तो इस कार्बन के पास भी फोर इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के भी पास फोर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर भी देखना है कि दो एटम के बीच में, किसी भी दो एटम के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है, इवन कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड दैट मीन्स कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। दो एटम के बीच में कहीं भी सिंगल बॉन्ड है दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड। इसमें यहाँ पे काउंटिंग करके बताओ इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, सब लोग बता सकते हो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है इसमें यहाँ पे, तो कहीं भी सिंगल बॉन्ड दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड, तो 7 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर कुछ इस टाइप का आ रहा हो, C2H4, तो C2H6 जनरल फार्मूला क्या था अल्केन का, CnH2n+2, क्योंकि सब लोगों को पता होना चाहिए, ये क्या था, इथेन। C2H4 इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, इनको कुछ आइडिया, इथीन। बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या होता है इसमें, इथीन, क्योंकि ये CnH2n अल्किन का जनरल फार्मूले पे आ रहा है, तो C2H4 दैट मीन इथीन। नेम की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ बेसिक कंपाउंड एक दो कार्बन तक के नेम पता होना चाहिए। मेनली यहाँ पे हम लोग बॉन्डिंग की बात करेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड, अल्किन है दैट मीन डबल बॉन्ड, H और ये H। तो यहाँ पर भी देखना है कि एक कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2 3 4, तो एक कार्बन एटम फोर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ का जो कार्बन है ये भी फोर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे सोचना था कि जब भी किसी भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, किसी भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो उसमें से एक बॉन्ड जो होता है तुम्हारा, इस बॉन्ड की बात करें, एक डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और जो दूसरा वाला बॉन्ड है वो क्या होगा, उसमें पाई बॉन्ड। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है इसमें कि सर ऊपर वाला बॉन्ड सिग्मा होगा या नीचे वाला सिग्मा होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, कोई भी एक सिग्मा और कोई भी एक पाई बॉन्ड हो सकता है, बट डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज पाई बॉन्ड। क्लियर है यहाँ पे है, जहां पे भी डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई। इसमें टोटल काउंटिंग करके बताना है इसमें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है इस स्ट्रक्चर में। 5 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड 1 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड।
5 sigma bond, single bond that means sigma, 1, 2, 3, 4, 4 sigma to hai, और इस डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा आ रहा है, दैट मींस 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। क्लियर यहां पे? तो 5 सिग्मा एंड 1 पाई। और भी एग्जांपल देखते हैं। अब एक केस और आ जाए यहां पे तुम्हारा C2H2, ये किस पे आ रहा है? जनरल फार्मूला अल्काइन का CnH2n-2, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? C2H2 का इथाइन। इथाइन सही है बिल्कुल। ये क्या था? इथेन। मैं लिख भी दूं नेम, इथेन, इथीन और ये इथाइन। इथाइन का मतलब वाई यानी लग गया, दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे। तो HC कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो जहां कहीं भी किसी भी दो एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। ध्यान से देखोगे यहाँ पे, उसके बाद देख लोगे पहले, उसके बाद कोई क्वेश्चन अगर आता है तो देख पूछने वहां पे। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। अब इसमें ये कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें कि सर बीच वाला सिग्मा होगा या नीचे वाला सिग्मा होगा या ऊपर वाला सिग्मा है। ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा और जो रिमेनिंग टू बॉन्ड है वो क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, कोई भी सिग्मा कोई भी पाई हो सकता है यहाँ पे। तो इस कंपाउंड में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है काउंट करके बताओ यहाँ पे? 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। सही है सब लोगों का आंसर। सिंगल बॉन्ड दैट मीन सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। क्लियर है यहाँ पे? है ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, हम लोग समझ रहे थे कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड क्या होता है। कुछ और एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल और यहीं पे ले लेता हूँ इस केस में। अब जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखोगे इसमें, बट एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। CH3CH double bond CH2। अब इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ध्यान से देख लोगे उसके बाद आंसर बताओगे। इवन मैं ये एग्जाम्पल खुद ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आगे बताओगे तुम लोग। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहे CH3CH double bond CH2, तो ये अभी किस फॉर्म में है? कंडेंस फॉर्म या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म या बॉन्ड लाइन फॉर्म, सोच के बताओ इसमें मैंने किस फॉर्म में इसको ड्रॉ किया हुआ है? कंडेंस फॉर्म। ये क्या है? कंडेंस फॉर्म है। सही बिल्कुल आंसर सब लोगों का। ये क्या है? कंडेंस फॉर्म। तो पहले इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद काउंट करेंगे। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो CH3 लिखा गया है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि इसी कार्बन से तीन तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है यहाँ पे, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, CH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH है, इसका मतलब क्या? इसी कार्बन से एक H सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दैट मीन्स वो हमेशा सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड C, दो हाइड्रोजन भी है तो इसी कारण से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। तो पहले इस कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिए, अब काउंट करके बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, 8 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। तो ये बिल्कुल 8 सिग्मा एंड 1 पाई। अब इसका आंसर क्या आ जाता है? जब भी एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले तुम्हें क्या करना होगा? कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में ड्रॉ करना होगा, देन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फाइंड आउट कर सकते हैं वहां पे। इसका आंसर क्या जाता है यहाँ पे? 8 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। क्लियर है यहाँ पे? इसको यहाँ पे ड्रॉ करो, फिर और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। बट अगर कंडेंस फॉर्म में गिवन हो या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्म में गिवन हो, उसको पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसी फॉर्म में मुझे एक्चुअल पता चल पाता है कि उसमें एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितना आ रहा है।
कर लिया था, नोट डाउन कर लिया सब लोग? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं लोग यहाँ पे। अगर नोट डाउन नहीं करते तो ऐसा नहीं कि अगर कोई अभी नोट ही करे तो बता दोगे सर्वे, इसको प्रॉपर यहीं पे नोट करना है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग है बाद में सर नोट कर लेंगे या स्क्रीन शॉट लेकर के, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, प्रॉपर यहीं पे नोट्स बनाना है जैसा कि ऑफलाइन लेक्चर में होता है। तो रिकॉर्डिंग तो बस उनके लिए जो कुछ कुछ न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग है, या किसी कारणवश लेक्चर मिस हो जाता है उनके लिए रिकॉर्डिंग होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ डाउट बताओ इसमें। CS3 इसी स्ट्रक्चर में तुम्हें बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितने हैं। तो फर्स्टली ड्रॉ इट इन कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म, देन डिसाइड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट उनके लिए मैं कुछ बता भी देता हूँ इसमें कैसे करना होता है। ये कंडेंस फॉर्म है, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे CH3 का मीनिंग क्या होता है, इसी एक कार्बन से तीन तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है यहाँ पे H। तो कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, चेक कर लेता हूँ मैं, बाकी लोग भी बताओ। मैं आंसर अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में भी बता सकते हो क्या आ रहा है। सिर्फ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है वहाँ पे H H CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे एक H। सो के 9 सिग्मा 3 पाई, पाई तो क्लियरली दिख जाता है, मेनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। अब काउंटिंग करके सब लोग बता सकते हो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है एंड पाई बॉन्ड। काउंटिंग तो कर सकते हो कुछ लोग अभी भी, 10 11 सिग्मा या 9 सिग्मा काउंट कर रहे हो वहां पे। 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड सही है इसमें। इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंटिंग कर लो यहाँ पे, पाई बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहा है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड। मेनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। एग्जाम में भी तुम्हारा जो क्वेश्चन है कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा इस टाइप से, उसमें पूछा जाएगा अलग अलग ऑप्शन में, एक किसी एक ऑप्शन में देख दिया रहेगा 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड, किसी में 9 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड, अलग अलग ऑप्शन रहेगा उसमें करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। सिग्मा बॉन्ड 9 होंगे ना, तो मैं दोबारा काउंटिंग करके बता देता हूँ। सिंगल बॉन्ड डेट में सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा है 9 और 1 ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है 10। क्लियर है यहाँ पे, इसमें 10 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है आएगा यहाँ पे एंड 3 पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा है एंड 2 पाई एंड डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई। सिंगल बॉन्ड है दैट मींस वो सिग्मा ही है। नेक्स्ट एग्जांपल अब इसी स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिया गया है, तो इस एग्जांपल में आता हूं। उससे पहले एक बेसिक एग्जांपल सिर्फ ये देख लेते हैं यहाँ पर, सिर्फ इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर दिया रहे यहाँ पे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना आ रहा है लास्ट वाले कंपाउंड का सर? 3 हाइड्रोजन कार्बन एटम। 3 कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना है इसमें लास्ट वाले के, इस पे आता हूं मैं बाद में, इस लास्ट वाले का बताओ इसमें।
C3H हाइड्रोजन काउंटिंग करके बताओ बॉन्ड लाइन फॉर्म में है सर 8 हाइड्रोजन C3H8 8 हाइड्रोजन कैसे काउंटिंग करते हैं यहां पे एंड पॉइंट है इसका मतलब है कि ये कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ यहां पे तीन और क्या होगा हाइड्रोजन में डिफरेंट कलर से दिखा दे रहा हूं बट बॉन्ड लाइन फॉर्म में ये गिवन नहीं होता है वहां पे दिखाई नहीं जाता है और यहां पे दो हाइड्रोजन एक तरह से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में ड्रॉ ही हो गया यहां पे है अगर बॉन्ड लाइन फॉर्म में होता तो वहां पे हाइड्रोजन को भी पहले दिखा लेते देन काउंट करते सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्लियर है यहां पे इसमें तो कोई पाई बॉन्ड है नहीं तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है यहां पे काउंटिंग करके देखो लास्ट वाले में टोटल सिग्मा बॉन्ड टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बिल्कुल करेक्ट है टेन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड दैट मीन सिग्मा बॉन्ड तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन सिग्मा बॉन्ड अब यहाँ पे सोचना है ये भी बॉन्ड लाइन फॉर्म में गिवन है इसमें टोटल कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना आ रहा है पहले बताओ इसमें यहाँ पे टोटल कार्बन एंड हाइड्रोजन सर सिक्स कार्बन एटम कार्बन तो सिक्स है और हाइड्रोजन कितने यहाँ पे बिल्कुल सही है हाइड्रोजन भी सिक्स है बेंजीन का बिल्कुल सही है बेंजीन का स्ट्रक्चर है C6H6 तो इतना अगर बता रहे हो इसमें अब इसमें काउंट करना कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितना यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में सब लोग बताओ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड 12 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स सही है कुछ लोग चैट बॉक्स में बता रहे हो बाकी ऐसे भी बता रहे हो 12 सिग्मा एंड 3 पाई और इसमें कुछ बच्चे गलती करते हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में पहला जो ऑप्शन तुम्हें एग्जाम में मिलेगा 6 सिग्मा एंड 3 पाई और बच्चे वही टिक करके आ जाते हैं लेकिन ये कंडेंस फॉर्म में है मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि सबसे पहले इसको किस में ड्रॉ कर लोगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में दैट मीन्स हर एक कार्बन पे अभी भी एक एक हाइड्रोजन होगा जो कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा एच 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 और यहाँ पे एच अब इसमें काउंट करना था तो मैं जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया इसमें क्या आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सी एच सिग्मा बॉन्ड आ रहा है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ रहा है एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स सिग्मा बॉन्ड रिंग में और सिक्स सिग्मा बॉन्ड रिंग के आउटसाइड दैट मीन्स 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 3 3 पाई बॉन्ड क्लियर है यहां पे है चलो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं बाकी जो भी क्वेश्चन होगा इस टाइप से उसको सोच सकते हो वहां पे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इसमें तुम्हें यहाँ पे चेक करना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड तो ट्राई करो 30 सेकंड सोचने का तरीका पता है इसमें कि कैसे सोचना है खुद से ट्राई करो 30 सेकंड पहले तो जहां पर भी हाइड्रोजन है तुम्हें ये बॉन्ड लाइन फॉर्म में गिवन हाइड्रोजन को पहले दिखा लो उसके बाद काउंटिंग करना है और जो लोग पीछे का लेक्चर दो लेक्चर नहीं अटेंड किए हो तो पहले मैं लिंक भेजूंगा तो उसको जैसे देखो ये चीज अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा पाई बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहा है कि पाई बॉन्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे बता सकते हो सब लोग सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे काउंट करना है तो वो देखो यहाँ इसमें क्या रहेगा 21 बाकी लोग भी बताओ 21 आ रहा है कुछ डिफरेंट आ रहा है चेक करो उसमें कुछ लोगों के 19 आ रहे हैं उसी केस के 16 सर 19 19 सर 19 19 सर
चेक कर लेता हूँ सबों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, आयुष के भी 19 आ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। मैक्सिमम लोगों के 19 आ रहे हैं, दैट मींस 19 होगा, क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब सबसे पहले जहां जहां हाइड्रोजन होगा उसको चेक करना है, मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है क्योंकि यहाँ का भी कार्बन 3 बॉन्ड पहले से बना रखा है, एक बॉन्ड और किसके साथ होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे चेक करना कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा। तो कार्बन अगर ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है तो वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। इसमें ये हाइड्रोजन को भी दिखा दिया है। अब टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो कहीं से स्टार्ट करो, इसमें तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो कितना आ रहा है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 + 8 19 सिग्मा, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 19 सिग्मा बॉन्ड एंड 5 pi bond। आई होप जो भी क्वेश्चन अगर आता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड से रिलेटेड वो सब लोग बता पाओगे, किसी भी फॉर्म में रहे, कंडेंस फॉर्म में हो या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर दिया रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडेंस एंड बॉन्डलाइन फॉर्म में हो पहले उसमें इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखा देना है, दैट मीन जितने भी बॉन्ड है सबको रिप्रेजेंट कर देना है यहाँ पे, उसके बाद उसमें काउंटिंग करना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चलो एक लास्ट एग्जांपल मैं और करा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। और जब भी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है साथ में, उसके बाद खुद से ट्राई करना है कि सर ने जो बताया लॉजिक उसके अकॉर्डिंग आंसर आया आ रहा या नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक सब लोग नोट कर चुके हो गए। yes. चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। बिल्कुल जितने भी एग्जांपल है सबको नोट डाउन करना है यहाँ पे, जितने भी एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, उसके आंसर बताना है, खुद से आंसर लिखना है वहां पे, नहीं आ पा रहा है तो फिर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना है यहाँ पे। तो यही एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ये एग्जाम्पल जो है ये एक क्वेश्चन है एग्जाम में, यही क्वेश्चन रहेगा कि बॉन्ड ये बॉन्ड लाइन फॉर्म में गिवन रहेगा, उसमें काउंटिंग करेंगे तुम्हें बोला जाएगा कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड, अलग अलग ऑप्शन होगा जी। तो ये क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब लोग पढ़ेंगे उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जैसे कि मैथ्स या फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स में करते हो गए। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग फिर यहाँ पे, एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं लोग। और ये कोशिश करो कि सब लोगों का करेक्ट आए, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फाइंड आउट करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो किस एटम पे किस कार्बन एटम पे कितना हाइड्रोजन पहले उसको दिखा लो, उसके बाद फिर काउंटिंग करना वहां पे। और पॉसिबल है तो तुम लोग भी डिफरेंट कलर से दिखाओ यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर में। और मेनली सिग्मा बॉन्ड बताना है, पाई बॉन्ड तो सबको क्लियरली दिख रहा होता है उसमें। कुछ सारा आंसर तो बताओ इसमें। पाई बॉन्ड तो कम से कम करेक्ट बताओ इसमें यहाँ पे, पाई बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखो, सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, पाई बॉन्ड तो 3 पाई बॉन्ड,
फोर पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड क्या होगा? फोर. एक एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक पाई यहाँ से आ रहा है, एक पाई यहाँ से, और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई, तो पाई बॉन्ड तो कितना आ गया? फोर पाई. उसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो पाई बॉन्ड क्या आ रहा है? फोर. सिग्मा बॉन्ड बताओ कितना आ रहा है? तो देखते हैं इसमें 23. तो सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं 14, दिशा के आयुष के 14 सिग्मा, क्योंकि 23 भी आ रहे हैं. देखते हैं क्या रहेगा. तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे सोचना है. ये अभी किस फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे है ये बॉन्ड लाइन फॉर्म. इसी में मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ. यहाँ पे क्या है, कार्बन है एक. हाँ बताओ कितने आ रहे हैं पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा. 22 आया. 22. कुछ लोगों के 23 आ रहे हैं, रोशी के, साई के भी 23. पाई बॉन्ड में क्लियर होना चाहिए कि पाई बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और यहाँ पर भी पाई. तो पाई तो फोर पाई बॉन्ड आ रहा है, उसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए. फिर भी अगर किन्हीं का गलत आ रहा है तो देखो इसमें ध्यान से. तो मेनली सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं. तो सिग्मा बॉन्ड की बात करें यहाँ पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी फोर टू बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, तो टू और हाइड्रोजन होगा. यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता हाइड्रोजन. अब यहाँ का कार्बन दो ही बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ. यहाँ पे दो और क्या होगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता, और यहाँ पर भी एक कार्बन आ रहा है. यहाँ का जो कार्बन है 1, 2, 3 तीन ही बॉन्ड बना रहा था, एक और हाइड्रोजन होगा यहाँ पे. क्लियर है? तब मैंने जितना, और दो हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा, ये मिसिंग था यहाँ पे, इधर दो हाइड्रोजन आ जाता. तब जितने भी हाइड्रोजन था उसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे. अब काउंटिंग स्टार्ट करना है. मैं काउंटिंग करके बताता हूँ यहाँ पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितना आ रहा है इसमें? 22 या कुछ और. मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, सिर्फ काउंटिंग करना था ध्यान से. 22 ही आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है. आयुष के, धीरज के 22 आ रहा है. मैं एक बार फिर से काउंटिंग कर लेता हूँ, अगर कुछ एक दो मिसिंग होगा तो चेक हो जाएगा दोबारा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ही आ रहा है इसमें. सही है. तो 22 सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, फोर पाई बॉन्ड. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जब आता है तो ध्यान से इसी टाइप से करना रहता है. चलो आगे बढ़ते हैं. आई थिंक यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है. ये नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे. अब इसमें एक और टॉपिक होता है जो कि इसमें एक टर्म रहता है, हाइब्रिडाइजेशन. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तो किसी भी स्ट्रक्चर में काउंट कर सकते हो अब यहाँ पे, चाहे कंडेंस फॉर्म हो, बॉन्ड लाइन फॉर्म हो, जिस भी फॉर्म में रहे. नेक्स्ट एक टर्म आता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन. बेसिकली आगे का पार्ट है, इस चैप्टर में नहीं पढ़ना होता है, बट थोड़ा सा इसका यहाँ पे यूज है. उसमें सिर्फ यहाँ पे इसका, और स्पेशली कार्बन के केस में, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. कंप्लीट रिंग ये डाल लोगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. अब जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पे चेक करना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक टेबल बेसिकली ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड कार्बन, अराउंड कार्बन, एंड उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन
बस एक मिनट देखो, ये भी काफी आसान सा पार्ट है। अब देखो इसमें अभी जो मैं कंफिगरेशन लिख रहा था कार्बन का, इस फॉर्मेट में 1s2, 2s2, 2p2, तो जो इसमें ऑर्बिट होता है और जो s रिप्रेजेंट करता है वो होता है सब ऑर्बिट या सेल या सब सेल, जो भी वर्ड यूज करो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो s और p, इतना तो आइडिया कभी देखे होगे कि s और p क्या होता है किसी बुक में या यहाँ पे, कि जो s और p ये एक सब सेल होता है, इतना तो क्लास में कराया गया होगा तुम्हें। इसको नोट डाउन नहीं करना, इसको बस देख लेना एक बार कि सेंट्रल एटम जो सेंट्रल पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं बताओ सब लोग? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सही है। उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्बिट आ रहा है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? के से, कैपिटल के से, फर्स्ट सेल को KL, MN, ऐसा कुछ पढ़े हो गए। तो उसी तरीके से ये फर्स्ट सेल है या फर्स्ट ऑर्बिट बोलो, इसी फर्स्ट सेल में एक एस सब सेल भी होता है, सेकेंड सेल में दो सब सेल होता है एस और पी। ये जो एस और पी होता है वो सब सेल होता है, जो कि आगे तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस पैटर्न पे भी कन्फिगरेशन तुम्हें बताया जाएगा कार्बन का। यहाँ पे एस और पी जो आता है वो क्या होता है? सब सेल। किसी सेल के अंदर और कितना सब सेल होगा, बस इतना याद रखना कि यहाँ पे एस एंड पी किसी भी एटम का सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे उससे यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है। अब यहाँ पे सिंपल सा देखना है कि किसी कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन हो, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक करना होगा तो सिंपली हम लोग सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड से देखेंगे। इसको यहाँ पे एक बॉन्ड, एक चीज ये करो यहाँ पे, इस सिग्मा बॉन्ड को इरेज कर दो वहां पे, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड कार्बन। तो किसी कार्बन के अराउंड अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। 4 बॉन्ड है, दैट मींस एक s और 3 p। ये क्या होता है s और p? sp3 कहां से? अभी कुछ भी नहीं देखना है हम लोगों को, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक अलग चैप्टर में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना रहता है। तो किसी कार्बन के अराउंड अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया, तो उस कार्बन का जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे वो क्या होता है? sp3। क्योंकि कुछ चीजें ऐसा होता है जिसका कि प्रॉपर चैप्टर अलग से डिसाइडेड है, उसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ पे यूज होता है थोड़ा, उसमें यूज यहाँ पे देख लेना है हम लोग। अब किसी कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड आ रहा हो, 3 सिग्मा, ये 36 नहीं है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये क्या रहा है इसमें? 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। तो जब भी किसी कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा एंड 1 पाई आ रहा, तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2। s और p क्या है? इतना बस याद रखना, तो वो सब सेल होता है किसी सेल के अंदर। और किसी कार्बन के अराउंड 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है, उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है तुम्हारा क्या हो जाएगा? sp। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन्स sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है किसी कार्बन के अराउंड sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड है वो क्या आ जाएगा? sp। तो सिग्मा बॉन्ड भी चेक कर सकते हो, या फिर कंबाइंड रूप से 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2, 2 सिग्मा 2 पाई sp, और 4 सिग्मा बॉन्ड ही हो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही हो 4, वो क्या रहेगा? sp3। बस ये टेबल मोड ड्रॉ करो, एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही आसान सा है। बाकी sp sp2 sp3 क्या है चलो अगले चैप्टर इसके बाद जो आएगा तो उसमें वो पढ़ पाएंगे। सर ये लर्न कर लेना है, क्या हम डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं, बट अभी लर्न करना है इसको, जब तक हम वो चैप्टर, जैसे मैंने बताया कि अगले चैप्टर में पढ़ना है इसको, तो फिर वहां पे लर्न करने की जरूरत नहीं है।
sp3 कैसे आता है, क्या है sp2, क्या है sp, क्या होता है, इसको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी बोलते हैं, sp3 इन ब्रैकेट हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोलते हैं इसको। इसके लिए अलग चैप्टर डिफाइन किया गया था। अभी सिर्फ इसको याद रखना है कि किसी कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, 3 सिग्मा एंड 1 पाई तो sp2 बोल लेना है, और 2 सिग्मा 2 पाई तो sp। तो अब और ये सब क्या होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और sp2 sp3। तो अभी के लिए लर्न करना है तुम्हें, और वो अभी लर्न हो जाएगा, इसमें अलग से तुम्हें बैठ करके कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, उसी में याद हो जाएगा। ये ब्रैकेट में लिखना है लिख सकते हो, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, या सिंपली sp sp2 sp3 भी बोलते हैं उसको यहाँ पर। कर लिया तो नोट डाउन कर लिया, सबको टेबल ड्रॉ कर लिया है सर। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, इसका यहाँ पे कमिंग बस लिख लो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल hybrid, हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिंपली यहाँ पे याद रखना कि 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2, 2 सिग्मा 2 पाई sp। मैं कुछ चीजों को यहीं पे रेज करके एक एग्जांपल मैं यहीं पे ले लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगर इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH, कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है ये जो कार्बन है इस पे मैंने एरो लगाया, इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, दैट मींस उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, बस इतना बताना है, इसी टाइप से एरो लगा करके इस टाइप से बताना है। इस कार्बन के अराउंड जो मैंने एरो लगाया अभी यहाँ पे, इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड, सिर्फ इस कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा 1 पाई, सिर्फ इस कार्बन के राउंड देख रहे हैं जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताना है। तो 1 2 3 3 सिग्मा एंड 1 पाई, दैट मींस क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2। इस लास्ट कार्बन का अगर बात करें हम लोग जो मैं एरो लगा रहा हूं 3 सिग्मा 1 पाई, इस कार्बन के सही है बिल्कुल, इस कार्बन के अराउंड भी क्या आ रहा है 1 2 3 3 सिग्मा एंड 1 पाई, दैट मींस इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। क्लियर है, ये एग्जांपल इसको ड्रॉ करो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो इसी तरीके से एरो लगा करके उसको दिखाना है, और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ही तो काउंट करना है। बट ये ध्यान रखना कि ये मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है, कंडेंस फॉर्म हो बॉन्ड लाइन फॉर्म हो उसमें ध्यान रखना रहेगा जो अभी आगे एग्जांपल करेंगे हम। कर लो यहाँ तक क्लास, ये एग्जांपल नोट डाउन कर लिए सब लोग। नोट डाउन कर ले तो सिंपली चैट बॉक्स में ही बता सकते हो कि डन सर, मैंने बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में। चलो ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
नेक्स्ट एग्जांपल में देखना है कुछ इस टाइप से आ रहा है। सिंपल एग्जांपल ही देखते हैं हम लोग, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। इसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो ये एग्जांपल में बताता हूँ खुद से। सबसे पहले फर्स्ट कार्बन की बात करें, जो लेफ्ट से अगर देखें हम लोग, इस कार्बन के अराउंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितना आ रहा है? फोर सिग्मा बॉन्ड, फोर सिग्मा बॉन्ड, फोर सिग्मा एंड ओनली फोर सिग्मा बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं आ रहा यहाँ पे। और फोर सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3 कार्बन का। इस कार्बन के अराउंड चेक करो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कुछ लोग बता रहे हो कि सर वन पाई बॉन्ड आ रहा है, वन पाई बॉन्ड आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है? देखो कुछ लोगों को आराम से, मैं टोटल यहाँ पे नहीं देखना है, मैं जिस कार्बन पे एरो लगा रहा हूँ उस कार्बन के अराउंड चेक करना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसको पहले मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट वेट कर लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, इसको समझ लोगे। यहाँ पे ये कंडेंस फॉर्म में है, और जब कंडेंस फॉर्म में इसी को पहले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सी एच 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 सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया। अब इसमें काउंटिंग करना है, इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 फोर सिग्मा बॉन्ड, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 3 सिग्मा एंड 1 5 दैट मींस sp2। इस कार्बन के अराउंड भी 1 2 3 3 सिग्मा एंड 1 5 sp2। इस कार्बन की बात करो यहाँ पे सिग्मा sp सर sp 1 सिग्मा एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, तो 2 सिग्मा एंड 2 पाई इस कार्बन के अराउंड, 2 सिग्मा 2 पाई दैट मींस sp। और लास्ट वाले कार्बन का भी sp क्योंकि 2 सिग्मा एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, 2 सिग्मा 2 पाई इस कार्बन के अराउंड, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp। जब भी कंडेंस फॉर्म भी हो तो उसको पहले क्या करना है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में ड्रॉ करना है, क्योंकि उसी में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रॉपर पता चल पाता है। बाकी प्रैक्टिस करते करते इसमें भी तुम्हें पता चलने लगेगा डायरेक्टली क्या रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसी को मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन पता चल पा रहा है। यहाँ पे हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है तुम्हें, एरो लगा करके बताना है इस कार्बन का क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो बताओ इसमें लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं हम लोग, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और पहले का sp3 होगा, सही है sp3, और दूसरे का sp2 होगा, दूसरे का sp2 और लास्ट sp3, फर्स्ट एंड लास्ट sp3 सही बिल्कुल आंसर sp2 होंगे, दो sp2 sp2 दो sp2 बिल्कुल करेक्ट है। मैं डायग्राम देता हूं, ये क्या होगा sp3, क्यों sp3? क्योंकि ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है, यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा, दैट मींस 3 और क्या होगा हाइड्रोजन, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो जा रहा है यहाँ पे 4, दैट मींस sp3। यहाँ पे 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड और होगा वो किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ, दैट मींस 1 2 3 3 सिग्मा एंड 1 5 हाइड्रोजन क्या जाना है sp2, इसका भी sp2 और इसका भी sp3, लास्ट वाले का क्या होगा sp3, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा एक कार्बन है, और तो यहाँ पे और क्या होगा 3 हाइड्रोजन है, वो अंडरस्टूड है sp3, तो 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। आई होप सब लोगों को ये यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं दोनों एग्जांपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग इसमें, इसमें भी हर एक कार्बन का तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, उसी तरीके से एरो लगा करके चेक करो।
नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितना आ रहा है, और नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। HYB का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सिक्स sp2 एंड 2 sp3। बाकी सब लोग ट्राई करो, उसके बाद में बताता हूँ। इसमें ये भी बाउंड लाइन फॉर्म में, इसमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना हाइड्रोजन भी अवेलेबल है। मैं डिफरेंट कलर से कर दिखाऊं, यहाँ पे यहाँ का जो कार्बन है और ये जो कार्बन है यहाँ का, ये एक ही बॉन्ड बना रहा है, दैट मींस तीन और क्या होगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहा है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट मींस ये sp3 और ये भी ऊपर वाला भी क्या होगा, sp3। क्लियर है, ये भी sp3 और ये भी sp3। अब इसमें जो बीच जो रिंग का कार्बन है, किसी भी एक कार्बन को देखोगे इसमें, ये भी जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है इस केस में यहाँ पे। और जब 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, सॉरी एक एच भी निकाले तो यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 pi बॉन्ड, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है इसका, sp2। हर एक कार्बन पे इसी तरह के चेक करना था। किसी भी एक कार्बन को देखो, जैसे इस कार्बन की बात करें, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, दैट मींस कोई भी एच नहीं होगा, तो 1 2 3 सिग्मा एंड 1 pi, ये भी sp2, ये भी sp2 रहेगा, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, इवन ये भी कार्बन क्या होगा, sp2। तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या आ रहा है इसमें, 6, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होगा, 2। क्लियर है यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन रिंग स्ट्रक्चर में भी इस टाइप से हो सकता है वहां पे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो, तो बस तुम्हें बताना यहाँ पे इस लास्ट एग्जांपल में नंबर ऑफ sp3 कार्बन एटम, sp3 कार्बन, नंबर ऑफ sp2 कार्बन एटम और नंबर ऑफ sp कार्बन एटम। तो हर एक कार्बन का एरो लगा करके, जैसे मैंने ऊपर बताया उसी तरीके से तुम लोगों को यहाँ पे कॉपी पे दिखा, उसके बाद काउंटिंग करके बताओ क्या रहेगा। Six sp3 चेक कर लेते हैं, बाकी sp2 sp3 सब लोग बताओ। सर 5 sp3 चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे अभी आंसर नहीं बता रहा, जो भी है सर 1 6 sp3 and 2 sp2। तो ठीक है, बाकी देख लो आसपास अगर वॉइस हो रहा है, नॉइज हो रहा है, तो उसको म्यूट करके ही रखना है। हमारे पास ऑप्शन है, आसपास अगर टीवी वगैरह चल रहा है वहां पर सिंपली चैट बॉक्स में बता सकते हो कि नंबर क्या आ रहा है उसमें। बाकी जब बिल्कुल भी वॉइस नहीं हो रहा हो, ये नॉइज नहीं हो रहा आसपास, तो फिर म्यूट करके या अनम्यूट करके बता सकते हो। तो मैं बताता हूँ, तुम लोग ध्यान से देखोगे इस लास्ट के क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा। यहाँ पे देखना है कि ये जो कार्बन है यहाँ पे, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड क्या होगा और वहां पे हाइड्रोजन। यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 और 4, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, बॉन्ड लाइन फॉर्म में दिया गया है, अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन कहाँ पे कितना होगा, वो पता होना चाहिए जो क्लास अटेंड किया हो पिछला। एच एच H, यहाँ पे क्या हुआ H, और ये CH3 है, H H और H। अब काउंटिंग ही तो करना था यहाँ पे है, इसमें जब काउंटिंग करोगे इस केस में, तो पहले वो sp की बात कर लें, तो जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा
वहां पे जनरली क्या रहेगा sp, इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा 2 पाई, दैट मींस ये sp हाइब्रिडाइज। इस कार्बन का अराउंड भी 2 सिग्मा एंड 2 पाई, दैट मींस इसका भी क्या होगा sp। तो sp कितना आ गया यहां पे, तो बाकी और चेक कर लेता हूं, और भी तो कहीं नहीं आ रहा। इस लास्ट कार्बन का जो CH3 था वो क्या रहेगा इसमें sp3, इस कार्बन का क्या होगा यहां पे sp2, sp2। इस कार्बन का यहाँ पे 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2, इस कार्बन का क्या रहा था sp3, इस कार्बन का मैं इधर दिखा देता हूँ, ये भी क्या होगा sp3, इस कार्बन का sp3, इस कार्बन का भी sp3, और इस लास्ट कार्बन का भी यहाँ पे वो क्या रहा था sp3, sp3 कितना रहा, अब काउंटिंग करके बताओ sp3 कार्बन कितना है, 6 sp3, 1 2 3 4 5 6 sp3, चलो कुछ तो बता रहे थे, बिल्कुल करेक्ट है 6 sp3। sp2 कार्बन कितना आ रहा है, 2 1 2, ये दो ही sp2 2, और sp भी कितना आ रहा है, दो ही आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे है। तो जब भी sp और sp2 या sp3 चेक कर रहे हो, सिर्फ कार्बन के अराउंड बॉन्ड चेक कर रहे हैं, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उस कार्बन के राउंड अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, दैट मींस sp3, 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2, 2 सिग्मा 2 पाई देन sp। तो ठीक है, फिर वो नेक्स्ट क्लास में इसी से, इसी के कुछ एग्जांपल्स है स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम लोग। सिर्फ काउंटिंग करना था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बाकी जो लोग न्यू हो उनके मैं अभी भी ये जस्ट अभी वीडियो शेयर कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, तो दो लेक्चर ही मिसिंग है, तो दो लेक्चर देख लो, उसके बाद फिर चीज़ें क्लियर हो जाएगा अपने आप। तो कुछ और डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो तुम लोगों को लेक्चर से रिगार्डिंग, या कुछ और किसी टाइप का मन में कोई डाउट हो। और कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हो सर मॉडल अभी करना है होमवर्क, अभी होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ, कुछ और एक दो लेक्चर होने के बाद होमवर्क मिलेगा, अभी जो क्लास में कराया जा रहा है उसी को रिवाइज, लेक्चर शुरू होने से पहले 15-20 मिनट्स पहले कम से कम ये तो देखना है कि सर ने पिछले क्लास में क्या बताया था, तभी वहां से क्यों ना हो पाओगे कि पीछे का पता फिर आगे जो बताएंगे सर कंटिन्यू हो पाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर भी होगा तुम लोगों का, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ फिर। नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सब लोग? यस सर। तो ठीक है, तो ठीक है मनीष लेक्चर से स्टार्ट करता हूँ, अभी कुछ होमवर्क नहीं है, बस इसी को रिवाइज करना है, बाकी जिसमें सिलेबस आगे बढ़ गया है जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ, उसका होमवर्क कर सकते हो अभी, इसका भी जब कुछ और लेक्चर हो जाएगा इसका भी होमवर्क मिलना शुरू होगा। तो ठीक है, मैं फिर अभी स्टॉप करता हूँ।